इसराइल हमास युद्ध की वजह से यमन का हूती लाल सागर में लगातार इसराइल और पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हूती ने लाल सागर में दो जहाजों को डुबो दिया है, जबकि एक जहाज उसके कब्जे में अभी भी है। लेकिन इसके बावजूद भी हूती के बदले की आग बुझी नहीं है और वो इसराइल के हाइफा बंदरगाह से लेकर तेल अवीव के भीतर तक हमले कर रहा है। लेकिन इन हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान लाल सागर से होकर गुजरने वाले जहाजों को हो रहा है। और इसी कड़ी में हूती ने ग्रीस के झंडे वाले क्रूड ऑयल टैंकर सो यूनियन पर 22 अगस्त 2024 को एक बड़ा हमला किया था। यह हमला लाल सागर से हुआ था और इसके बाद 23 अगस्त 2024 से ही इस जहाज से आग की लपटें उठ रही हैं और इस जहाज को लेकर अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा है कि संभवतः इस जहाज से तेल रिस रहा है, जिसकी वजह से ये आग की लपटें उठ रही हैं। वहीं यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल पैट्रिक राइडर का कहना है, एक तीसरे पक्ष ने जहाज को बचाने में मदद के लिए 2 टग भेजने की कोशिश की थी, लेकिन हूती ने उन पर भी हमले की धमकी दी। टैंकर में करीब 10 लाख बैरल कच्चा तेल था। आपको बता दें कि सो यूनियन एथेंस की डेल्टा टैंकर्स कंपनी का जहाज है और यह कंपनी का ऐसा तीसरा जहाज है जिस पर हूती ने इस महीने हमला किया है। और हूती ने इस जहाज पर यमन के होडिएडा बंदरगाह के पास से हमला किया था और इस हमले के तुरंत बाद इस जहाज में आग लग गई थी। हालांकि जहाज से तेल रिसाव की सवाल को लेकर यूरोपियन यूनियन के नेवल मिशन एस्पेट्स ने एक ट्वीट में कहा कि जहाज से तेल रिसाव के कोई ठोस संकेत नहीं मिले हैं। आपको बता दें कि ईयू मिशन की एक तस्वीर जारी की थी जिसमें जहाज से आग और धुआं बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये आग जहाज के मुख्य डेक में लगी हुई दिख रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने भी हूती की इस तस्वीर की पुष्टि की है। आपको बता दें कि सो यूनियन जहाज करीब 150,000 टन क्रूड ऑयल लेकर जा रहा था, जिसके समुद्र में रिसने से पर्यावरण को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। यहाँ तक कि स्पाइट्स ने भी कहा है कि इस जहाज का सुपर स्ट्रक्चर आग की चपेट में है और जहाज पर करीब 5 जगहों पर आग को देखा गया है। और अगर जहाज से तेल रिसाव होता है तो ये इतिहास में किसी जहाज पे हुए सबसे बड़े रिसावों में से एक हो सकता है। वहीं समुद्र से इस लीकेज में हुए तेल को साफ करने को लेकर वेस्पूकी मैरीटाइम के सीईओ लार्स जेनसेन का कहना है कि हूती के हमलों की वजह से तेल को साफ करने के लिए वहां जहाज तैनात करना और ज्यादा मुश्किल है। बड़ी बात यह कि 8 अक्टूबर 2023 के बाद से हूती ने लाल सागर में 60 से ज्यादा जहाजों और युद्धपोतों पर कई मिसाइलें, रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं और इसकी वजह से हजारों मालवाहक जहाजों को लाल सागर का रूट छोड़कर दक्षिण अफ्रीका वाले लंबे रूट पर जाना पड़ता है।